हेलो, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन 151। क्वेश्चन 151 को मैं आपको एक बार समझा दूँ। क्वेश्चन 151 में क्या रखा है कि आपके पास एसिटिक एसिड है, उसका PKa वैल्यू है 4.8। आपके पास इथेनॉल है, इसकी PKa वैल्यू आपको 16। आपको बताना है कि अगर आपने pH इज इक्वल टू 7 रखा तो ये स्पीसीज आपकी सॉल्यूशन में किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी। हमने आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन पढ़ रखी है, pH इज इक्वल्स टू PKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर आप यहाँ पे pH की वैल्यू ज़्यादा रखते हो PKa से, हम सपोज कर लेते हैं ऐसी कंडीशन जब pH की वैल्यू ज़्यादा है PKa से, तो अगर pH ज़्यादा है PKa से तो आप इसको इस साइड लाओगे तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, ग्रेटर देन 1। अगर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ऐसा तभी हो सकता है जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपका एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो, ज़्यादा हो। तो अगर यानी आपका pH की वैल्यू बड़ी हो जाए PKa के वैल्यू से, तो आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड का PKa कितना है मेरे पास, 4.8। आप pH कितना रख रहे हो इस क्वेश्चन में, 7। तो यानी एसिटिक एसिड के लिए pH ग्रेटर देन PKa हो जा रहा है, यानी एसिटिक एसिड सॉल्ट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो एसिटिक एसिड आपका CH3CO2- के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। इथेनॉल का PKa कितना है, 16। pH कितना रख रहे हो आप, 7। तो उस केस में pH लेस देन PKa हो जा रहा है, यानी उस केस में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो आपका एसिटिक एसिड सॉल्ट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा और इथेनॉल जैसा है वैसा ही एग्जिस्ट करेगा। तो उस हिसाब से हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 152। क्वेश्चन 152 में हमसे पूछता है कि द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल इज। तो देखा जाए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार कर चुके हैं। बस आपको यहाँ पे एक बार आप इसमें रेजोनेंस करवा दो। एक बार जैसे अगर आपने इसमें रेजोनेंस करवाया तो देखे जाए उससे हमें बेनिफिट क्या मिल गया यहाँ पे। जस्ट एक बार इसका अगर मैंने रेजोनेंस करवा दिया तो, एक बार आपने रेजोनेंस करवाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरीके से होते हुए यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा। इससे देखो हुआ क्या, ये वाली स्ट्रक्चर को हमने कितने बार देखा है कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एरोमेटिक। और ऊपर वाली भी रिंग कैसी हो गई आपकी, एरोमेटिक। यानी जस्ट आपने एक बार उसमें रेजोनेंस करवाया और दोनों रिंग क्या हो गई आपकी, एरोमेटिक। तो ये तो कंडीशन इस मॉलिक्यूल के लिए बहुत अच्छी होगी, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में मेजरली एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो गिवन मॉलिक्यूल था हमारे पास, इसका सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो जा रहे हैं आपके, एरोमेटिक। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 153। क्वेश्चन 153 में पूछ रखा है कि इस जो ग्राफ बना हुआ है एनर्जी वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक रीऑर्गेनाइजेशन का, इसमें पॉइंट एक्स क्या है। मैंने आपको बताया जैसे ये डब्ल्यू क्या होगा, ये रिएक्टेंट, वाई क्या होगा, ये प्रोडक्ट, एक्स क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं आपका, ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं ग्राफ, इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए अगर आपका ग्राफ कहीं कुछ इस तरीके से बने, इस तरीके का ग्राफ बने, तो ये भी आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला पॉइंट भी ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो बीच की डिप है इसको क्या बोलोगे आप, इंटरमीडिएट। यानी एक इंटरमीडिएट हमेशा दो ट्रांजिशन स्टेट से क्या होता है, घिरा होता है। तो ये हमारे पास इस तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक पीक तो ट्रांजिशन स्टेट, एक बीच में डिप आती है तो उसको इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय टू ट्रांजिशन स्टेट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आपके MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर।